बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, info4secrets.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम चिकन शवामा सैंडविच बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनने वाला है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा सैंडविच हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आप इजीली इसे अपने अपने घरों में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई करें और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन को बॉयल कर लेंगे। 1/2 kg हमारे पास बोनलेस चिकन है। चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में बनवाया है। 1/2 teaspoon मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर। 2 teaspoon हम इसके अंदर व्हाइट विनीगर ऐड करेंगे। व्हाइट विनीगर से चिकन जो है ज़रा भी हार्ड नहीं रहता, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। चिकन अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, अब मैं इसे एक अलहदा प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। नेक्स्ट प्रोसीजर है जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने एक पैन के अंदर बिल्कुल लाइट सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, उसके अंदर 2 tablespoon लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल एक लाइट सा कलर देना है। लाइट सा कलर आ चुका है, अब मैं इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करूँगी। 1/2 teaspoon सुरख मिर्च, 1/2 teaspoon पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। 1/2 teaspoon मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। नमक हमने चिकन बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। 2 tablespoon मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूंगी, इससे मिक्सचर है जो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनेगा। 1 tablespoon मैं इसके अंदर मायोनीज ऐड करूंगी। मायोनीज का इसके अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। व्यूअर्स, चिकन का मसाला बिल्कुल तैयार है, हमने इसे एक अलहदा प्लेट के अंदर निकाल लिया है। आइए अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने ब्रेड के 4 slices लेने हैं। 4 slices पर हमने मायोनीज लगा लेनी है। मायोनीज को किसी फ्लैट चीज से लगाएं, हमारे पास जो नाइफ है बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, इससे इजीली मायोनीज लेप हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब भी कर दें। 4 slices पर मायोनीज लेप हो चुकी है। 1 slice पर चिकन का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो लगा लेंगे। इधर हम रेड चिली सॉस लगाएंगे। रेड चिली सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह टोमेटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 slice पर भी हमने ये लाइट सा सॉस लगा लेना है। अब हम इसे 2 slice के साथ मिला देंगे, बिल्कुल लाइट सा प्रेस करना ताकि आपस में जुड़ जाए। सेम इसी पैटर्न से हम इन दोनों स्लाइसेस को भी तैयार कर लेंगे। रेड चिली सॉस का इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, हमारे दोनों स्लाइसेस तैयार हैं। अब हम इन दोनों पर भी मायोनीज लगा लेंगे। दोनों स्लाइसेस पर मायोनीज बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है। अब हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमने इसके ऊपर लगाने हैं। व्यूअर्स, वेजिटेबल्स में हमारे पास शिमला मिर्च और टमाटर हैं, जिनको हमने छोटे छोटे पीसेस में बना लिया था। इनकी हमने आउटर सरफेस यूज़ करनी है। इनके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं वो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। व्यूअर्स, सैंडविच के अंदर वेजिटेबल्स का एक अपना टेस्ट होता है, इसलिए आप ज़रूर ऐड करें इसे। वेजिटेबल्स हमने लगा ली हैं, अब हम इसके ऊपर बिल्कुल लाइट सा चिली सॉस भी लगा लेंगे। दोनों स्लाइसेस को हमने इसके ऊपर फिक्स कर देना और बिल्कुल लाइट सा प्रेस करना ताकि आपस में जुट जाएं। अब हम ब्रेड की जो ब्राउन वाली साइड्स हैं चारों तरफ से इनको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त नाइफ को बिल्कुल कॉर्नर पर रखें, इससे हमारी ब्रेड बिल्कुल भी टूटे नहीं। चारों साइड्स को हमने बिल्कुल हल्का हल्का सा कटिंग कर लेना है। देखें कितने अच्छे तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे दरमियान से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त तेज नाइफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बहुत नीट कटिंग हो जाती है। व्यूअर्स, देखें हमारा कितना टेस्टी चिकन सैंडविच तैयार हो चुका है, आपने भी जरूर ट्राई करना है और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।